आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप बताइए. हमारा तो जिंदगी बर्बाद हो गया. क्या अलार्म बजेगा, क्या करेंगे. सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, जो कारखाना का पाँव बजता है उससे आधा घंटा पहले कारखाना चले जाते हैं. फिर जब कारखाना का पाँव बजता है उससे 1 घंटा बाद घर आते हैं. अरे वो कारखाने का पाँव नहीं बजता है, इसी का होता है वो. अरे अरे तुम मेरी बात सुनो, तुम साइलेंट पॉन्ग क्यों नहीं करते हो? देखिए कोशिश हर इंसान करता है, कभी कभी नहीं हो पाता. अक्षय भाई एक बार इसने खड़खड़ी पॉन्ग किया, टेक ऑफ कर दी. इतना प्रेशर. अरे हम तो समझे थे तू लड़की है, तू तो सिलेंडर निकली. सब कैसे ही का बात हो रहा है. अरे ये क्या बात हो रहा है, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं. पर सच में अगर आपका पति इतना लेट आता है तो उसका कोई करंट अफेयर चल रहा होगा बाहर, आप पता कीजिए. नहीं मैं नहीं मान सकता इस लड़की का पति कोई अफेयर कर रहा होगा. इतनी सुंदर, सुशील और इतनी अच्छी. आप देखिए इसकी मांग देखिए, बराबर भरी हुई. टीका देखिए, आंखों में रौनक देखिए, अदा देखिए. बाहर क्यों जाएंगे किसी का नाच देखने जब घर में कंजर खाना खुला होगा. जज साहब आप मेरी बात सुनिए. हमारा नीचे बैठ उठा दे रही है, चलिए जज साहब. हाँ वहाँ जाके जज साहब के पास नहीं आना. अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. अच्छा जज साहब आप खुद एक लड़की, ये अंदर से ना ये महिला नहीं है ना, इसीलिए हम बैठने नहीं दे रहे हैं ना. प्रॉब्लम तो यही है जज साहब, आप समझ रहे, ये झोल है ये. से दूर रह के बात करें आप. अब हम आपको आंखों देखा हाल समझा देते हैं. आपको लगे चाहे नहीं लगे आप खुद फैसला कीजिए. वकील साहब को मान लीजिए, हम मानते हैं अपना हस्बैंड. सुषमा की औलाद और लेके आ सामान जरा. मान लीजिए मैं इनका पति क्यों बनूंगा. अभी अदालत में करके नहीं दिखाते हैं क्या. मान लीजिए सब सब आप करते नहीं क्या. तो मैं आपको पति ला देता हूँ, बात पति चाहिए ना. सुनिए एक मिनट अक्षय कुमार, एक मिनट आप सुनिए, एक मिनट. जब अक्षय कुमार जैसा हैंडसम आदमी हम उसको क्यों लेंगे पप्पू को अपना पति. हमारे पास ऑप्शन है जब एक अच्छा पति ढूंढूंगा. नहीं कोई अच्छा पति नहीं आपके अलावा. हाजी कौन है. नहीं, आप आइए. अरे बढ़िया पति ढूंढा है. अब हमने ढूंढ लिया है. अदालत जाया मत. जज साहब चाहते हैं, जज साहब चाहेंगे. जज साहब क्या चाहते हैं. जॉली इनका पति. आइए जगदीश जी लेट मत कीजिए. देखो और बेटा आ जाओ. एक मिनट, भारतीय सिनेमा के इतने अच्छे एक्टर. एक मिनट भौजी, अरे भौजी ये बड़े पुराने, आपको देख के मुझे वो बचपन का सीरियल याद आ गया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने. चलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ. अरे 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 इंसान ही चाहिए. इंसान दिया आपको. हमने नहीं लिया ये इंसान, आपने दिया. ये नहीं दिया मतलब ये इसकी तोहिन नहीं कर रहे हो. तोहिन की बात नहीं है. इसके घर वाले पिक्चर देख रहे होंगे. आप क्या करते हैं, क्या काम करते हैं आप. मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ. कंप्यूटर है तो हम का सॉफ्टवेयर है जो हमको डाउनलोड करोगे वहाँ बैठो. सुनिए चलो यहाँ से. हाँ अक्षय जी सुनिए, आप भारतीय सिनेमा के इतने बड़े एक्टर हैं, आपसे एक्टिंग करवाएंगे या कंप्यूटर वाले से कराएंगे, आप खुद जवाब दीजिए. भारतीय जनता आइए. अगर 2 मिनट में आपने नाटकीय रूपांतर नहीं शुरू किया मैं भूल जाऊंगा कि आप औरतें हैं. चलो बोलो. आप गाना चलाने के लिए बोल रहे थे ना, ले लीजिए गाना. लेकिन इस गधे में हम तीन जैसे कैसे. वही तो, गधे में गधी कैसे घुसेगी आप देखिएगा. Oh,
हुआ कि नहीं है? अक्षय बाजी, आपको पता ही है हमारे शो की रवायत, हम लोग यार ये कमाल है। मैं जब भी फेरता हूँ ना, सिद्धू जी की तस्वीर आपने रखी हुई है, ऐसा लगता है सिद्धू जी वाकई में बैठे हुए हैं। ये बोलती हुई तस्वीर है और ये फोटो से लगता भी उनका शो की तरफ ध्यान कम ही है। उधर क्यों देख रहे पाजी? आपको पता ही है, हुमा आप भी जानती हैं, हम आपके फैंस से जो हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, हालांकि आपका तो एक चाहने वाला स्टेज पे भी है, अगर आपके कोई केस पेंडिंग हैं तो आप जगदीश मिश्रा जी से आप अपना केस जो है सामने रख सकते हैं, साथ में उनकी धर्मपत्नी है जॉली LLB से। जी, आप में से जो कोई अपना केस रखना चाहता हो आप रख सकते हैं। हाँ जी, इनका हेलो सर। हाँ जी, आपके कोर्ट में एक सवाल रखना चाहता हूँ। जैसे मेरी शादी लगी है, है? तो शादी लगी है, लोगों को सर्दी लगती, तुम्हें शादी लगी है, ये क्या बात है? शादी तय हुई है ना? शादी तय हो गई तुम्हारी? हाँ, तो मैं उसको हनीमून पे लेके जाना चाहता हूँ। हाँ तो लेके जाओगे, तुम्हारी है और कौन लेके जाएगा? तो मेरी मम्मी भी बोलती है जब मैं भी चलूंगी, वो भी तैयार है, तो मैं अपने बीबी को बता रहा हूँ। मम्मी को बोलो तुम पापा के साथ गई थी, मैं गया था। मैं अपने पत्नी को बोलता हूँ, मुझे मेरी मम्मी भी जा रही है तो मेरी पत्नी अपसेट हो रही है, तो मैं क्या करूँ बताइए। मम्मी को कहें कि ये हनीमून है, हनीमून का मतलब मम्मी कि हम घूम घाम के आ जाएंगे, हम दोनों को साथ में रहना होता है, हमें फ्यूचर आगे बच्चे पैदा करने होते हैं, और ये 5-6 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद जहां आप कहेंगी उसके बाद ले जाएंगे, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। ओके, पर वैसे ब्रदर आप कहां प्लानिंग कर रहे हैं अपनी वाइफ को लेके जाने की? लखनऊ में जाने वाला हूं। अरे लखनऊ तो जगदीश्वर मिश्रा के गांव का ही है। तो वैसे यूपी में कहां पे रहते हैं आप? यूपी में गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर से लखनऊ जा रहे हो, तो मम्मी को भी ले ही जाओ फिर, कौन सा। वैसे हुमा एक बात बताओ, अगर आपकी कल को शादी होती है जी। आपकी सास भी सेम डिमांड रख दे अपने पति को, हाँ। तो आपका क्या रिएक्शन होगा? नहीं, मेरे सास ऐसा नहीं करेगी। तुम्हें क्या पता, तुम्हें पता मेरी मम्मी का स्वभाव का? जी भाई साहब। हेलो, हेलो कपिल सर, हेलो अक्षय सर। ये क्या कान क्यों पकड़े? सर उस्ताद हो सर, आप सेल्फ मेड सुपरस्टार दोनों। कुश्ती सिखाई आपको? सर आप दोनों सेल्फ मेड सुपरस्टार हो सर, तो बनता है ना सर इतना करना। सो स्वीट, थैंक यू ब्रदर। सर मैं दिल्ली से आया हूँ सर, मैं एक चीज थी, लड़कियाँ ब्यूटी पार्लर जाती है, इतना मेकअप करती है, और मेन बात है उसका सारा बोझ लड़कों की जेब में पड़ता है, और असर भी नहीं होता, 2-3 घंटे बाद फिर सुबह जैसा मुंह हो जाता है उनका। सर फिर हम क्यों पे करें उसके लिए? सर इसके लिए आपको केस लड़ना चाहिए सर, मेरे हिसाब से। बड़े इसीलिए ना 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है, तुम ऐसे ऐसे घटिया केस लेके आते हो ना, जिसका जिसका ना सर है ना पैर है। बेटा आपकी जेब है, आपकी बीवी है या आपकी गर्लफ्रेंड है, आप संभालो जो है जैसा है, और उसमें कोर्ट को घसीटने की क्या जरूरत है? कहाँ थी तुम पागल इतनी देर? हेलो अक्षय सर। हेलो। मुझे ये कहना है सभी से, सभी जो इन भाई साहब ने कहा, सभी लड़कों से, कि अभी हम सब इंडिपेंडेंट हो गए, हम खुद से अर्न करते हैं और खुद के जैसे। क्या बात है, यस। अब बताओ यार, पहले तो भाई साहब मत बोलो मेरे को, मैं बच्चा ही तो हूँ अभी, है ना। पुराने जमाने में रानियां होती थी, वो भी तो मेकअप नहीं करती थी, राजा महाराजा फिदा रहते थे उनके ऊपर। तुम्हें कैसे पता भी, तुमने जाके देखा था? तब उनकी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती थी जितनी अभी आपकी होती है। वैसे मैम, आई विल रेडी टू पे फॉर यू। व्हाट डू यू थिंक? आई वुड लाइक टू बीट हिम। वो अरे खुशी खुशी खा लेगा वो। ये बड़ा पहले मार खा, उसके पैर छुओ, वो आई है थोड़ा। टर्न अराउंड ऑलरेडी। इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? अच्छा, आपने थोड़ा भी बड़ा प्यार से मारा आपने। सो स्वीट, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने मनचले नव युवक को। बड़े से बहुत अच्छी बात कही कि मतलब लड़कियां खुद कमाती हैं और अपनी अपनी सारी जो खर्चे हैं वो खुद ले सकती हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू हुमा, आई एम सो प्राउड। नो बट यू कैन पे फॉर मी, I don't mind. Are you serious? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.